गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सबको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सबसे पहली पतंग तुम्हारे भाई की उड़ेगी, तो आज हम आ गए हैं। टाइम चेक कर सकते हो भाई, टाइम हो रहा है 3:26 भाई। इस टाइम पे कोई भी नहीं जगा हुआ, इवन हमारी गली तक पूरी खाली पड़ी, हमारे कुत्ते भी सो रहे हैं भाई। सुनसान लेवल, कोई भी नहीं जगा हुआ। और 15 अगस्त मनाने के लिए हमारी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमें नींद भी नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटा सोया। चीनू तो भाई साहब सोया ही नहीं है, तब से उठाई हुआ है, इसने मुझे उठाया, कह रहा भाई चल। तो हम छत पे आ चुके हैं, 3:30 पूरे 3:30 भी नहीं बजे, 3:26 हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो अब फटाफट पतंग पे बांधते हैं, करने सबसे पहली पतंग तो हम ही उड़ाएंगे लास्ट ईयर की तरह आप लोगों की डिमांड पे। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे तैसे करके हमने बल्ब का जुगाड़ कर लिया है ताकि हमें भरपूर फ्लैश मिलती रहे इस अंधेरी रात में। रात नहीं कहूँगा, सुबह हो चुकी है, आपको रात लग रही है क्योंकि अभी सूरज नहीं आया है। बाकी पतंग हम उड़ाएंगे भाई, तिरंगा पतंग उड़ाएंगे हम, तिरंगा सबसे पहली पतंग। हवा उस साइड की है, फुल क्लियर, अब इसको उड़ाते हैं। हवा बहुत बढ़िया चल रही है, देख सकते हो भाई लोग। ओए होए क्या मस्त हवा चल रही है, और ये मरे लाइन सुबह सुबह मजा आता है भाई। जल्दी सर्दी में पहुंचा दे तो। अरे चीनू कुछ कहना चाहेगा भाई, पुरानी यादें क्या बात है भाई, देख सकते हो कितना 3:30 बज चुके हैं और फुल बूमा हमारी पहली पतंग उड़ गई। और पतंग भाई देखो खड़ी हो रही है आसमान में बिल्कुल, होपफुली आप लोगों को दिख रही होगी। मुझे भी देखनी बंद हो गई है, काफ़ी दूर चली गई भाई, थोड़ी और दूर ले जाते हैं। और तिरंगा डिज़ाइन सबसे पहला, और हवा कितनी बेहतरीन चल रही है गाइस, मज़ा ही आ गया। बाकी ये सब अंधेरे में हम थोड़ी देर तक इस पतंग को उड़ाएंगे, थोड़ी खींचे वींचे मार के बॉडी वार्म अप कर लेते हैं हवा चीनू। तो गाइस इसके बाद आपको हम डायरेक्ट मिलेंगे मॉर्निंग असली वाली में, जब उजाला हो जाएगा। तो गाइस लेट्स स्टे ट्यून्ड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ सब मजे में। तो आज का वो फाइनल दिन है जिसके लिए इतना टाइम से सब लोग एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, होप करता हूँ सब मजे करो और भगाल मचा दो। तो गाइस आज आ गए हम छत पे, और अभी आपको पूरा सीन दिखाता हूँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सुबह तो हम इतनी जल्दी उड़ गए थे, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया ताकि हमें पूरे दिन पतंग उड़ा पाएं। अभी इतनी पतंगें नहीं उड़ रही, लोग धीरे धीरे छतों पर आने लगेंगे। तो फटाफट बैक कैमरा करके आपको देता हूँ ओवरव्यू। गाइस सब कुछ हो पर इससे बुरा कुछ ना हो। चीनू दिखाइयो, सुबह सुबह छत पे आए अपना मटेरियल लेके, और ये देखो पूरी छत पर टंकियां ओवरफ्लो मार रही है, पता नहीं क्या यार ये कितने खतरनाक होगा। दोनों छतें भिगा दी, वो देखो दोनों छतें भीग रखी हैं, हम पतंग उड़ाने का वेट क्या करें, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक पतंग उड़ा नहीं सकते। देखो सारी छत भीग गई, दोनों टंकियां ओवरफ्लो हो गई, पता नहीं लोग बंद ही नहीं करते टंकी। बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लग रहा है। तो गाइस मौसम चेक कर सकते हो, धूप निकली हुई है, सब लोग सोच रहे थे बारिश ना हो, मैं भी यही सोच रहा था, बट होपफुली ऐसा नहीं हुआ। स्काई बिल्कुल क्लियर है, विंड स्पीड भाई 20 के आसपास होगी, बहुत तेज़ विंड स्पीड है। और काफ़ी लोग अभी छतों पे नहीं आए क्योंकि अभी 8 के आसपास बज रहे हैं, 8 ही बज रहे होंगे। और देख सकते हो अभी थोड़ी थोड़ी देर में 10-11 बजे तक लोग सारे जमा हो जाएंगे। बाकी आप चेक करो भाई, चारों तरफ पतंगे उड़ने लग गई हैं। अब फटाफट हम पतंग उड़ाते हैं, वो रहा अपना मटेरियल, तो फटाफट पतंग उड़ाते हैं, ये पानी वानी सूख जाए उसके बाद फिर दिखाते हैं भोकाल। नहा लेना सेफली, उड़ाओ दीपक को भी कहूंगा, इन सबको मैं ध्यान रखूंगा। बाकी आप लोग भी अपने आस पास जितने लोग उड़ा रहे हो, कोई बड़े बंदे अगर मेरी फील्ड में, छोटे लोगों का ध्यान रखना। बाकी फटाफट इसको पार करते हैं, पतंग को मचा देते हैं भोपाल। तो गाइस फाइनली 15 अगस्त आ चुका है, हम अपने काला गुड्डा पार कर रहे हैं, देख सकते हो। ये देखो एक सेकंड में हवा इतनी जबरदस्त चल रही है गाइस, क्या ही बताऊं। और बाकी देख सकते हो अब इसको पार करते हैं, और इससे करेंगे काइट फाइटिंग, पूरा भोकल में जाएंगे। और गाइस मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर छत पे आओ धूप में पतंगबाजी करो तो भाई फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लेना, और भाई अपने आस पास छोटे बच्चों का ध्यान रखो, खामखा भाई बहुत रिस्की होता है आज के दिन काफ़ी। और सनस्क्रीन लगा लेना भाई, काले नहीं हो गए, नहीं तो मोर बन जाएगा, त्वचा का मोर बन जाएगा। प्रकृति का स्पर्श ज़्यादा मिल गया ना, वो भी बेकार है। तो चलो ठीक है गाइस, फटाफट काइट फाइटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।
खा बेटे वो वो एक साथ दो लोग भाई दो गई भाई दो गई वो काट दिए दोनों गए ना भाई दोनों सांप लगा दिए दिस इज कॉल्ड भौंका अब करेंगे लाके साफ रूम मार दो वो वो बना दिए मोर भाई दो भी तेज है ना हमने दूर वाली है अरे 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 ढील ले ढील ले ढील ले और कन्ने काट दिए पतंग के कन्ने काट दिए तो कैसे हार गया भाई और भाई ये पतंग प्रीमियम अरे देख इतनी तेज हवा ढील के पीछे लगाऊंगा मैक्सिमम जाओ ना जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ क्या हो रहा है दूर अपने से वो वो ध्यान से थोड़ा लगे हुए भाई वो पीछे और लगा रहे हैं हम उसको दबा दिया है गाइस हमारे साथ एक और बहुत बेहतरीन पतंगबाज जुड़ चुके हैं हाँ भाई कितने पेचे काट रहे हैं तो गाइस ये रही इनकी भूत वाली पतंग और ये रहा डीके चीनू और ये रानू जी क्यों परेशान हो रहे हो भाई क्यों परेशान हो रहे हो भाई इतनी तेज धूप हो रही है और बिल्कुल मुंह पे पट रही है धूप आंखों पे बिल्कुल ऐसे तो बाल कटवा के आया है आज क्या बात है और ये चीनू और नहीं नहीं अनुज का पेचा पेचा लग गया भाई ये रहा पेचा चल रहा है पूरी ढील लग गया पूरी ढील जाने ढील जाने ढील जाने निकाल ले निकाल ले निकाल ले पतंग बहुत दूर बाद जम अरे मंजा कम है थोड़ा उतार थोड़ी उतार 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 भाई ये कट के आई थी पतंग और ये हमारे उस्ताद क्या बात है बहुत ही बढ़िया अनुज खींच मार दे बहुत गड़े ओ भाई लहरा दिए भाई लहरा दिए हां भाई ये देखो आज तो फुल फॉर्म में है सारे अब अनुज को हमने मैदान में उतार दिया है अनुज कौन सी पतंग है आती आती उड़ा रहे और फिर बरेल लगा दिया भाई अभी उंगली करेंगे चल भाई क्या बात है चलो और तुम क्या मारे ना थोड़ा ढील देते टाइम फिर बताऊंगा कौन मारता ये मारता नहीं ये कटवाएगा फिर कल वो आयुष की पतंग थी चल 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 कन्ना कट गया अरे 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 वो अरे कड़ी वाली काट ले इसको जाओ जाओ दीपक हरी वाली बना हरे वाले बना ऊपर से रख डिस्टेंस कम रखियो अरे मेरे भाई ऐसे भी ऐसे भी अलग अलग ढील 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 देते रहे देते रहे नहीं छुड़ गई देते रहे देते रहे अरे अब पतंग उठा अपनी पतंग उठा ऊपर चढ़ा चल अनुज ऊपर से ना
अनुज ऊपर से चला गया। अच्छी इन्होंने संभाल ली बात, दो रब अद्धी पतंग के साथ गोल फरमा, क्या बात है। बरेली लॉइन का थ्रेड ओस वाली सदी 15 अगस्त का जज्बा क्या बात है, बहुत नेशनल कमेंट्री हो रही है यहाँ पे। और भाई आज बिल्कुल सारे लोग एक्साइटेड, ठंडे जहाँ देखो लहर रहे हैं, हवा चल रही है 20 किलोमीटर के ऊपर की, मैक्सिमम पे चलेंगे ढील के, काली पतंग उड़ा रहे हैं ताकि हीट अब्जॉर्ब करके पतंग हो जाए भोकाल, ऊपर ले जा पतंग को। और ये पतंग का सार्क बन चुका है, देख सकते हो, सेब देख सकते हो, ये बन चुकी है चील काट। फाइनली आवर प्रो प्लेयर इज हियर। कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहेगा? क्या कहूंगा नहीं, सीधा दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो इसका पेचा, वो काली वाली पतंग इसकी अभी पक्की जो ऊपर की तरफ है। डील ले, डील ले। नहीं 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 डीबा, हाँ चल स्पेस पे चल, राइट साइड चल। और ये देख सकते हो आप लोग भाई, बहुत बेहतरीन कैच मार के भाई। ये जो लेफ्ट वाली पतंग है दीपक की है, अभी अनुज ने कटवाई थी, अब दीपक बदला लेने जा रहा है। क्या दीपक बदला ले पाएगा, जानने के लिए देखते रहे काइट फाइटिंग हमारा एपिसोड। और ये दीपक बहुत बेहतरीन पेच चढ़ाता हुआ, दीपक नीचे से भी लगाएगा तो ढील में रखियो पतंग फंसा के। ऊपर से डाल, हाँ ऊपर से डाल, ढील छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो गाइस अपने को छोटे पेजे पसंद ही नहीं है। और भाई ये देखो टॉट पतंग उड़ रही है बहुत आगे, अब जा रहे हैं वहाँ डायरेक्ट। और देख सकते हो बीच में एक बंदा है, पहले इसको निकलता है या दूर ही चलता, छोड़ो टारो ना 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 दूर जाएंगे। देख सकते हो गाइस पतंग हमारी पहुँच गई है 700 मीटर के आसपास, जान दो ढील, इतनी ओसवाल भरवा दी ना भाई, इतनी ओसवाल शाम तक भी ढील देंगे तो भी खत्म नहीं होगी। वो और भाई छूते लगा दिया, बरेली लॉयन का भोकाल देख लो तू। तो बीच में डालना वो लगा दिया भाई, सारे देश लॉन्ग रेंज पे चल रहे हैं और ऐसे लगा नहीं रहा भाई, बरेली लॉयन भाई गजब। तो संजीव भाई थैंक यू सो मच भाई, अगर तुम ये मंजा नहीं भिजवाते ना, हम मोर कैसे बनाते फिर कैसे बनाते मोर, हम शॉर्ट रेंज पे आते हैं। और ये पतंग इतनी कट के जा रही है तो हमें रिस्क हो रहा है सब्जी में हमारे डोर पड़ रही है, वहीं कट जा रही है। नहीं नहीं कट के आ रही है, कट के आ रही है क्या इसके लिए, रह गए येलो वाली को भाई वो ओ भाई कहां से काट रहे ले गए तो पूरी उसका झोल काट दिया, समझ ही नहीं पाया वो नीचे से ले गया पूरी। तो गाइस झंडा लगा देते हैं और डीके वाली छत से वापसी आ चुकी है, हवा तो भाई बहुत तेज थी, प्लस जो हवा थी वो सूरज की साइड की है तो देखा बिल्कुल नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में नहा धो के उड़ाएंगे पतंग बाजी, उससे पहले हम पहले फ्लैग लगा दें। तो भाई फाइनली फ्लैग लग चुका है और भाई मतलब फ्लैग देख के ना आज हर छत पे फ्लैग है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मस्त फीलिंग आ रही है। और चीनू भी 15 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हमने अभी इतने सारे पेज काटे, होपफुली आपने देखे होंगे और एंजॉय भी करे होंगे। तो गाइस बाकी चलते हैं, अब थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से एंटरटेन कर पाएं, एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे फिर। हम छत पे आ चुके हैं नहा धो के फ्रेश होके खा पी के फुल एनर्जी के साथ, और ये रहा पीछे अनुज डीके और पीछे हितेश, टोपी में हितेश है, बाकी ये नए प्लॉट पे आए हम, ये भी अपना ही है भाई। यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना बहुत अमेजिंग आ रहा है। और डीके से मैं पूछना चाहूंगा, डीके आपको कैसा लग रहा है छत पे आके? हाँ भाई भाई वो पीछे देख सकते हो पूरा खाली है, लॉन्ग रेंज तक कितना ही उड़ा हुआ ये वाला जो है प्लॉट, अब ये भी अपने अंडर ही समझ लो, यहाँ से भी उड़ाएंगे जितनी कट के जाएंगी। और फटाफट काइट फाइटिंग करते हैं स्टार्ट, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाएंगे, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी पतंग लेकर आए। अनुज एक बार क्विक दिखा दे फटाफट, ये पीछे देख सकते हो सारा बड़ा कलेक्शन है, बड़े बड़े तिरंगे मतलब ये तावे वाली पतंगें लाए हैं सारे। और डीके कौन सी उड़ाएगा सबसे पहले बताओ? हाँ बताओ बताओ बताओ, सबसे पहले भाई दी के तावा नहीं, अरे भाई साहब गजब। तो इसको उड़ाते हैं फटाफट और फिर आपको दिखाते हैं काइट फाइटिंग। भोकाल पतंगबाज इज हेयर, टी शर्ट चेक करो भैंस की, चैट इंडिया। ओ भाई ये देखिए इसका क्या बन के आया, क्या बात है भाई। तो भाई देख सकते हो भाई माहौल चेकआउट। और बाकी सार्थक भाई छत कैसी लगी? भयंकर है, देख रहा है एंगल भाई कहाँ कहाँ तक पीछे चलाओ, कोई चक्कर नहीं, उधर की हवा देखो पूरा खाली
बढ़िया भाई, 4 किलोमीटर का पेच लड़ाएंगे आज पूरा। तो गाइस ये हमारा पतंगों का स्टॉक है, बड़ी पतंगे मेनली हम उड़ाएंगे, बाकी ये रहा अपना बरेली लाइन, तो धूप लग रही है। और ये रही हमारी डॉक्टर टेप, इसके अंदर हमारा भाई पूरी पतंगों का स्टॉक है, काइट फाइटिंग वाली भाई सारी पड़ी हुई है। सारा तक कौन सा उड़ाएगा, डिजाइनर या फिर काइट फाइटिंग? देखते हैं भाई, अभी तो सांस ले रहा हूं। अरे बहुत ही बढ़िया, तो भाई ये वाला उड़ाते हैं पहले। तो गाइस अद्दी उड़ाने वाले प्रीमियम क्वालिटी की, बाकी रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये घर के नीचे ही चली गई, तो पकड़ने दे, पतंग की मूवमेंट चेक करना। पतंग का जो मूवमेंट है ना, उनको बेस्ट लगा मेरे पास, सोने आए हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए, उनका भी इतना बेस्ट मूवमेंट नहीं है। टेप लगाता है नीचे वाला, लगा दूंगा। हां तो हाथ कट रहे हैं गाइस, ये बरेली लाइन की पर्चियां उतर गई हैं। हैमर 84 का मार दो ना खेचा। भाई मेरे को तो बोलने में दिख नहीं रहा। एक लड़ा दिया भाई, अब थोड़ा सा शॉर्ट रेंज के ही लगाएंगे पहले, तो उसके बाद दूर जाएंगे, क्योंकि सद्दी लगा रखी है हमने, इधर लोग सब सद्दी वद्दी नहीं लगाते, हत्ता डाल देंगे सीधा, चेक कर सकते हो। वो ये था ना पेच को दे रहा था, बाहर को दे रहा था, चक्कर दे रहा और क्या है अंदर को दे रहा। अरे नहीं इसे देखो भाई, ठीक है थपकी मार दे एक बारी। ये भाई क्या बात, अबे अपनी पतंगे क्यों नहीं उड़ा रहा, काइट एजम की क्यों उड़ा रहा है? भाई आसमान में जो भी डोमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ काइट एजम ही। ओ भाई ये सिर्फ 4 पीस आए थे, ये हितेश उड़ा रहा है समय, क्या बात है। भाई ये पतंग भी हमारी थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में जो बेस्ट पतंग थी वो थी, इसके तो सारे स्टॉक आउट है, ये तो स्टॉक आउट है गाइस। जो मर्जी करो फटाफट, मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ हसीन लल्ला से। तो गाइस अद्धी पार कर रहा हूँ हसीन लल्ला से, सार्थक लेके जा चुका था, इसने उत्तम नगर में जो भोकल मचाया इस मांझे से ढील ढील में, बाकी धूप में रख के मांझा कड़क हो गया है, और अब इसको पार करते हैं। देसी पतंग उड़ रही है, 2 पतंग उड़ाएंगे और भोकल मचा की भाई। क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई, प्रमोशन होनी चाहिए भाई। बंदे कह रहे हमने देख पता ही नहीं चला भाई आपका, बहुत देर में मिलेगा, इतनी देर में क्यों आ रहे शॉपिंग करने? कह रहा यार अभी वीडियो देखी आपकी। भाई चेक कर सकते हो, सार्थक ने इतने भाई, सार्थक ने इतने इतने ऑर्डर संभाले हैं इस बार। ये पतंग देखो भाई, इसका इसका मूवमेंट चेक करो, ढील 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 लेते हैं, ढील पे चलाइयो। हसीन लल्ला थोड़ा सा मतलब स्मूथ पांजे में आता है, गोल्ड हो रहा है, तो भाई इसमें इतना डर नहीं लग रहा मेरे को जितना बरेली लाइन भाई, वो तो हाथ काटने वाला हो रहा था। काट दो, अरे कितना मार रहे हो? वो क्या बात है, नीचे डाल के काट दी, और इसको मैंने रुख दिखा के काट दिया, वो देख सकते हो पतंग थोड़ा डोर ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि लॉन्ग रेंज पे पेच लड़ाता हूं मैं, डोर ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि क्या मान जाए। और रील आ चुकी है, रील काटते, कौन सी रील स्टार्ट हुई? 9वीं रील, 3 रील हम उड़ा चुके हैं, और 3 रील में भाई ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स, सैंडी भाई को भी शाउट आउट, इतना भोकाल मंजा देने के लिए। काइट एजम नहीं करना, काइट एजम मस्जिद काइट एजम हो जाता है ये तो। अभी लॉन्ग रेंज चलते हैं, डायरेक्ट आपको पेच नहीं, मेरे को लूट के ये पालम वालों के उड़ी उड़ी लूट रही भाई, आदत है लूटने की यार, जो कट के डोरम डोराते हैं उनको लूटने मजा आता है। वो जा रही है अपनी पतंग डीके के हाथ में, जैसी पकड़ा डीके, तू भाई मनुष्य है। मैंने क्या बोला? दो 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 भाई, हाँ दो भाई, तेरी भी ज्यादा गलती है, तू है मनुष्य। देख रहा है यार, बेहतरीन पीछे चल रहे हैं, पौने लगा रखे भाई मनुष्य, भाई बेहतरीन डोमिनेट कर रखा है इसने, देख सकते हैं एक साथ पता है कितने पीछे लगा रखा है। काट दे भाई, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जा, एंगल एंगल बना रहा है, क्या बात है। नीचे स्काई ब्लू पे डाल दे, स्काई ब्लू पे डाल दे, रुक जा रुक जा भाई यार, ये अच्छा पतंग आ जाए।
झोल काट दिया। तुम्हारे बड़े पकड़ते हैं मांझे, हमारे तो पूरे पूरे वापस आते हैं भाई। कन्ने से कटी थी, कन्ने वापस आए थे पूरे। क्या मस्त आसमान कितना क्लियर सा नहीं लग रहा आज? अबे क्लियर बना दिया ना। क्या रहा, क्लियर बना दिया। ऐसे ही करके आया था मैं अभी अपने घर, बच्चे चले गए नीचे, कह रहे भाई शाम को उड़ाएंगे पतंग। गाइस कन्नों से नहीं कटी थी, आगे वाले से पीछे हमने काटे थे, और ये सब्जी से तो हम थोड़ा और मांझा लगाएंगे। मेरे को लगता है पीछे वाले से हमारे पीछे हो गए होंगे। कहाँ से हो गए? अरे वो दो पतंगे थी ना, उसका हत्ते में लग गए होंगे, हम तो नीचे थे ना। वो भाई पतंग देखा ना, अनुज की पतंग देखा। अरे भाई बाकी हमारा सब्सक्राइबर आ चुका है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, उसे दिखा। हाँ भाई, तो भाई ये भी हमारा सब्सक्राइबर, इसने मुझे पहचान लिया। और बाकी पतंग देख सकते हो आप में, बहुत बहुत बेहतरीन पतंग चल रही है, तिरंगे बिरंगे भाई, इतनी इतनी पतंगे आ चुकी है ना। ये अगले साल लाएंगे हम जेठ, क्या बात है, अगले साल हम लाने वाले जेठालाल वाली शर्ट, जेठालाल वाली, उसमें यहाँ पे घंटी वाली चरखड़ियाँ लगी नहीं मिलेगी तो बनवा लेंगे। क्या क्या लग रही है भाई, क्या कर रहे हैं इसमें यार, सूरज पर बादल आया। तो गाइस अब ये प्रीमियम मध्य एक और उड़ा रहे हैं, दूसरे त्रिंगल पैटर्न में भाई, बहुत जबरदस्त उड़ रही है। अब इसको पार करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको काइट फाइटिंग। इसकी भैंस की, ये देखिए भाई, किसकी काट रहा था ये, बना दिए मोर। अब दूर चलते हैं गाइस, फेंक दो ये, कट के आया सब। कौन है ये? अरे वो डोर टच हो जाती है, सबकी काम आती है। ये क्या कर रहा है? मैं उड़ाऊं। एक मिनट रुक जा बस। वो ले लिया उसको भी। थर्ड पेज। भाई मैं कल रात को, मैं रात को आया था, मैं लेट आया था रात को 11 बजे करीब। एक मिनट रुक जाओ, एक बार उठाई कम वो गड्डी लग गई अपनी। भाई मैं तीन देख, मैं इसको हर साल कहता था कि मौका दे आने का। आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुकुल। हाँ भाई मुकुल, कितने पेज काटने का सोचा आज? भाई मेरे को लग रहा है कट जाएगी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, अबे नहीं कटेगी, टेंशन नहीं ले। ले भाई बेहतरीन डील लेते वीरे। तो भाई वीरे की पतंग है प्रीमियम क्वालिटी अद्धी। बहुत बढ़िया भाई, मौसम जहर हो रहा है, काट दी क्या बेचे। गाइस अब हम पार कर रहे हैं पौना, क्या बात है, क्या बात है, सार्थक उड़ा रहा है पौना, महंगे वाला बारीक पत्ते का पौना। इधर ना देखो, बोल लगा रहा हूँ। अरे यार भैया नहीं लगाना, नहीं जानते, इसी में
में चलने से डील लेना, फिर वजन तो बनाओ पहले पतंग में। अबे तू इन्हीं से तो पीछा लड़ा रहा है, हफ्ते में भूख दिखा देता, दो सेकंड में कटती। बेइज्जती करा रहे हो तुम बगल वालों से। वजन तो रखते सारी डील जोड़ दी। मुझे लगा ये तोड़ रहा है इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। क्या कर रहा हूँ? तो गाइस अद्धी पार कर रहे हैं, काफी पतंगे सामने आ चुकी हैं। अब लग रहा है आसमान खाली करना पड़ेगा बड़ी देर से रेस्ट पे। लेट्स गो। शंख लेके आए क्या है? शंख लेके आए? हाँ तो पीछे हो जा भाई। कट गई इनकी, कट गई, छोड़ो। तो गाइस प्रीमियम मत भी एक और आ रखी है हमारे पास, तो ये वाली पार कर रहे हैं। भाई जबरदस्त यही है। अरे भाई वो! 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 भाई अब भी ले बो बो झटके देख रहा पतंग कैसे ले लिया। तो गाइस बहुत बेहतरीन अड्डी है ये पतंग का रोल, आज आप समझ गए होंगे कि पतंग क्यों मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है, बढ़िया लेनी। हां घुटाई वाली है, थोड़ी घुटाई प्लस तिल्ले से अलग पैटर्न की है। ए भाई ये हवा काटी है, जा काट रही है, अरे मुंडी काटे रहेगा। ठीक है अबे यार घर में घुस गई पूरी पतंग दोनों। जब इसने नीचे ले रहा था अभी ऊपर खींच रहा झोल में, टच हो रही थी नहीं हुई थी नीचे टच हुई थी, के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी घरों में घुस गई। गिव अवे, इसको उड़ा के दे दे। उड़ाने वाले हैं पाकिस्तान डिजाइन, शाम हो गई है तो हम सोच रहे हैं बड़ी गुड्डे उड़ा दें। सार्थक भाई करने देगा, करने तो देते ब्रो, उड़ाओ भाई। भाई ये बड़ी मुश्किल से उड़ रहा है, उड़ गया तो भाई भोकाल है, उड़ गया। बहुत मजे ने, बहुत मजे ने टेप लगाना भी भूल गया तो मैं। ओ भाई भाई साहब गलत, भाई गलत, तो ओ भाई भाई गलती पतंग उड़ गई है तो। ये क्या है ऐसा लग रहा है? बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। ये कन्ने भाई ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, ले जाओ। भूत वाली पतंग उड़ाने वाले हैं, भूत वाली पतंग देख सकते हो मछला, और फटाफट क्लास में ले जाते हैं इसकी काइट फाइटिंग करके दिखाते हैं। बहुत वजन आ रहा है, मेरी उंगलियों से खून अभी भी नहीं रुक रहा। ओए पीछे लग रहे हैं दीपक, भाई कटवानी है तो बता। कन्ने दोबारा मान जाके क्या हुआ? कट गई। ओए लगा लगा अच्छे से लैंड कराऊंगा।
तीन पतंग कहाँ हैं? हाँ ये ली भूत वाली लग रखे हैं। आई बो क्या बात है, ब्लर हो गया बोल रहे होते ही। अरे वो कट गई है, फट गया फट गया। स्टील थ्रो ऑन कर तीन बज चुके हैं और इतनी पतंग उड़ा दी आधे तो कैप्चर भी नहीं हो पाए, फोन की बैटरी डाउन हो गई। अब फटाफट घर जाते हैं, खाते पीते हैं कुछ और, थोड़ी एनर्जी चाहिए, व्लॉग भी करना है, पीछे भी काटने हैं, बस घर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फोन चार्ज करते हैं, उसके बाद दोबारा मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड के साथ। सेकंड पार्ट में आपको मिलते हैं अब, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। गाइस स्टे ट्यून्ड। कर चुके हैं और सार्थक अब घर जा रहा है, मैंने इसको मना भी किया, मत जा भाई अब भोपाल मचाना है, बट ये कह रहा है कहाँ उत्तम नगर में भोपाल मचाएगा। भाई ये हसीम लल्ला इतना पसंद आ गया ना इसको, भाई हसीम लल्ला हम जान के बोल रहे हैं इसको, ये आदत हो गई हमारी, हसीम लल्ला है हमें पता है ओरिजिनल। बाकी भाई चलो ये जा रहा है, मैं तो मना कर रहा था, बाकी इसके बाद हम चलते हैं छत पे भोपाल मचाने। तो भाई बाय 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 बाय, दुआओं में याद रखना। Should fuck her in the best, yeah.